वेलकम दोस्तों, मैं बिपिन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने थंबनेल पर आउटलाइन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेक्निकल वर्सेस बिपिन को सब्सक्राइब जरूर करें व अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। सेकेंड है पिक्सल लैब। तो सबसे पहले आप लोग को जाना होगा पिक्सआर्ट पर। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद जो यहाँ पर एडिट ए फोटो है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो जो आप लोग को फ़ोटो लगाना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे नीचे आता है स्क्रॉल करके, जो मुझे फ़ोटो लगाना है मैं उसको चूज कर लेता हूँ। तो मुझे यह फ़ोटो लगाना है, तो मैं इसको ऐड आएगा, इसको कट कर देते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोग को जाना होगा यहाँ पर जो लिखा है कट आउट, कट आउट पर क्लिक करना होगा। कट आउट पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर सेलेक्ट है, यहाँ पर सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, फिर पर्सन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, हम लोग का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ ऐसे होने के बाद यहाँ जो सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद लोडिंग ले रहा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसको सेव कर लेना होगा, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए, मेरा यहाँ पर फोटो सेव हो चुका है। मेरा अपना फोटो सेव हो चुका है। तो हम लोग को अब जाना होगा यहाँ पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके, फिर टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पर जो राइट साइड टॉप में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो नीचे दिख रहा है 5th नंबर पे इमेज साइज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जो कस्टम पर क्लिक करके, फिर यूट्यूब थंबनेल क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर ओके है, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉप पर दिख रहा है प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो आप लोग फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो आप लोग फोटो का बैकग्राउंड हटाया है उसको चूज करेंगे। उसको चूज करने के बाद जो यहाँ पर ओके है, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए, हम लोग के यहाँ पर बैकग्राउंड हट चुका है। फिर उसको अपने इच्छानुसार हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सेव हो चुका है, तो हम लोग को जाना होगा ए पर जो है टेक्स्ट है। ए पर ने जो है बीच वाला आइकन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो है स्ट्रोक, इस पर क्लिक करना है। इसको इनेबल कर देना है। अब आप लोग को जो जिस कलर का आउटलाइन रखना है उस कलर को चूज कर लेंगे, फिर उसको यहाँ पर बढ़ा देंगे। जैसे मुझे वाइट अच्छा लग रहा है तो मैं वाइट रख देता हूँ। फिर वाइट कलर के यहाँ पर रख देते हैं, फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। अब देखिए, हम लोग का यहाँ पर आउटलाइन तैयार हो चुका है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।